आज अब हम आइसक्रीम बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं सबसे पहले हम सारे इंग्रेडिएंट्स देखेंगे ये जो है हमारे पास जो है ये मिल्क है मिल्क की कोई भी कंपोजिशन हो सकती है हमारे पास जो है हमने इसकी टेस्टिंग कर रखी है और ये 4.5 परसेंट फ़ैट और 8.5 परसेंट एस का है ये 6 परसेंट फैट 9 परसेंट एस का भी हो सकता है या किसी भी कम्पोजिशन का दूध चाहे काओ मिल्क या बफेलो मिल्क कोई भी हो ये हम ले लेंगे फिर सेकंड कंपोनेंट जो है क्रीम है इसकी 25% परसेंट फैट है और 5.4% पॉइंट परसेंट एस है तो दिस विल बी ए सोर्स ऑफ मेजर सोर्स ऑफ फैट एंड पार्टली इट विल कंट्रीब्यूट फॉर एस एन थर्ड कंपोनेंट जो है आइसक्रीम मैनुफैक्चरिंग में स्किम मिल्क पाउडर है इसको हम एस भी कहते हैं दिस विल कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स एस एन एफ मेकिंग इन द फिनिश प्रोडक्ट आइसक्रीम तो आइसक्रीम में जो एस एन एफ आएगी जो हमने कहा हम कह रहे हैं कि हम ग्यारह परसेंट एस एन एफ की आइसक्रीम बनाएंगे तो एस एन एफ हमें दूध से मिलेगी कुछ एस एन एफ हमारे को क्रीम से मिलेगी और मेजर पोर्शन ऑफ एस एन एफ जो है हमारे को जो है इस स्कीम मिल्क पाउडर से जो है मिलेगा जो अगला कम्पोनेंट है फॉर प्रोड्यूसिंग द स्वीटनिंग इफेक्ट शुगर है ये हमने जो है चीनी जो है ले ली है दूध क्रीम एस एम पी शुगर और इसके अलावा हम जो है स्टेबलाइज़र और एमल्सीफायर स्टेबलाइजर और एमलसीफायर इनका रोल जो है आइसक्रीम की बॉडी एंड टेक्सचर को कंट्रोल करते हैं और एमलसीफायर से जो है आइसक्रीम की वीपिंग एबिलिटी इम्प्रूव होती है यानी कि उसमें हवा को संजोने की क्षमता तो अगर हम एमल्सीफायर डालेंगे दूध में नेचुरल एमलसीफायर और स्टेबलाइज़र भी होते हैं तो अगर आइसक्रीम आप बिना इनके बनाओ तो भी आइसक्रीम बन सकती है लेकिन फॉर यूनिफॉर्म क्वालिटी यूनिफॉर्म बॉडी एंड टेक्सचर एंड फॉर यूनिफॉर्मिटी इन द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट फॉर ऑल द डेज़ हम जो है स्टेबिलाइज़र एंड एमल्सीफायर डालते हैं जो मेन स्टेबलाइजर हैं एंड एमल्सीफायर ये कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज सी नाम का जो है स्टेबिलाइज़र एंड एमल्स मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है इसके अलावा सोडियम एल्जीनेट भी यूज़ करते हैं और जेलेटिन uh, भी यूज़ कर दिया जाता है एज ए स्टेबिलाइज़र लेकिन जेलेटिन जो है वो एनिमल सोर्स का है तो इन इंडिया वी अवॉइड यूजिंग जेलेटिन एज स्टेबलाइज़र हम जो है दूसरे जो हैं ग्वार हुआ सोडियम एल्जीनेट हुआ या अगार अगार हुआ इन सब को जो है हम जो है स्टेबलाइज़र की तरह जो है यूज़ करते हैं ओके अब फिर आइसक्रीम जो है उसमें फ्लेवर और कलर करने के लिए ये डिफरेंट फ्लेवरिंग एंड कलरिंग कंपाउंड्स हैं और ये बाकी एडिटिव हैं सपोज आप जो है टूटी फ्रूटी आइसक्रीम बनाना चाहते हैं तो आइसक्रीम का जब हम मिक्स बना लिया तो जब हम फ्रीजिंग की स्टेज पे ये टूटी फ्रूटी के जो है फ्रूट्स हैं फाइनली क्रश्ड ये फ्रीजिंग के टाइम पे जो है हम मिक्सचर में डाल देंगे और इसके साथ जो है हम कोई भी डिज़ायर्ड फ्लेवर जो है वी कैन ऐड फ्रू फॉर मेकिंग द टूटी फ्रूटी आइसक्रीम इन केस ऑफ चॉकलेट आइसक्रीम वी विल ऐड द चॉकलेट सिरप और इन केस ऑफ वनीला आइसक्रीम वी विल ऐड वनीला फ्लेवर इन केस ऑफ स्ट्रॉबेरी वील एड स्ट्रॉबेरी रेड रोज कलर एंड स्ट्रॉबेरी फ्लेवर इन केस ऑफ बटर स्कॉच वी विल एट द बटर स्कॉच फ्लेवर एंड बटर स्कॉच ग्रैनुल्स बटर स्काच क्रैकल्स दीज आर द बटर स्काच क्रैकल्स ये क्रैकल्स जो हैं हम डालेंगे फ्रूट्स हों नट्स हों क्रैकल्स हों या स्ट्रॉबेरी क्रश हो या कोई और भी चीज़ जो ऐड करी जाती है आइसक्रीम में तो वो उसकी मात्रा जो है थ्री टू फाइव परसेंट ऑफ द मिक्स रखा जाता है कोई चीज़ जो है डिपेंडिंग अपॉन द कंज्यूमर रिक्वायरमेंट कोई तीन परसेंट डालते हैं कोई चार परसेंट डालते हैं कोई पाँच परसेंट लेकिन पाँच परसेंट के बाद जो है मात्रा जो है सीमित कर दी जाती है तो जितने भी एडिटिव्स हैं आइसक्रीम मिक्स का तीन से पाँच प्रतिशत जो है डाला जाता है तो ये कलरिंग एंड फ्लेवरिंग इन्ग्रेडियंट्स हैं ये सारे जो है आइसक्रीम के फ्रूट्स एंड नट्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ एडिटिव हैं और ये जो है बेस प्रोडक्ट के लिए दूध क्रीम स्किम मिल्क पाउडर शुगर एंड स्टेबलाइजर एंड एमल्सिफायर तो एट ए फर्स्ट स्टेज आइसक्रीम बनाने के लिए हम क्या करेंगे ये दूध ले लेंगे ये हमने दूध जो है एक इधर ले लिया ये दूद है ये टेस्टेड दूध है दूध में हम जो है ये क्रीम जो है सारी ऐड कर देंगे स्लोली स्लोली इसको जो है क्रीम हमने सारी जो है ये इसके अंदर मिक्सअप कर दी और इसकी हम रिंसिंग जो है जो बची हुई क्रीम है इसको रिंस कर देंगे अच्छे से इस मिक्सचर से अब ये दूध और ये क्रीम का मिक्सचर जो है हो गया अब इसके बाद सेकंड स्टेज पे ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हैं उन सबको जो है इकट्ठा मिक्स करेंगे ये ये हमने इसके अंदर जो है ये वेड जितना एस एम पी रिक्वायर्ड है इस केस के अंदर जो है हमारा दूध जो है 600 ग्राम है और क्रीम जो है 600 ग्राम है ओके 600 ग्राम दूध 600 ग्राम क्रीम और इसके अंदर हमने जो है 90 ग्राम्स ऑफ एस एम पी ले लिया फॉर रिक्वायर्ड कंपोजिशन इन द फिनिश प्रोडक्ट और इसके अंदर जो है हम ये चीनी जो है मिक्स कर लेंगे ये सारी चीनी अभी डाल देंगे दो स्टेज में और ये हमने एमल्सीफायर स्टेबिलाईज़र इसके अंदर डाल दिया और इस सब को जो है हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इधर हम क्रीम के क्रीम और दूध को प्रॉपरली मिक्स कर रहे हैं ये दूध और क्रीम मिक्सअप हो गए अब स्किम मिल्क पाउडर शुगर और एमल्सीफायर इन सब को जो है हम इस मिक्सचर के अंदर जो है सारा अच्छे से मिला देंगे ये बची हुई भी, भी चीनी है थोड़ी सी जो हमने कैलकुलेट करी थी चीनी की मात्रा कितनी ली हमने 220 ग्राम 600 ग्राम दूध 600 ग्राम क्रीम 90 ग्राम स्किम मिल्क पाउडर और 220 ग्राम चीनी और 3 ग्राम एम एल सी फायर एंड स्टेबिलाईज़र अब हम इसको जो है अच्छे से मिक्स कर लेंगे आइसक्रीम मैन्युफैक्चरिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है होमोजेनाइजेशन अब इस मिक्सचर को 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करेंगे और उसके बाद जो है इसको हम होमोजेनाइजेशन करेंगे इट इज़ एसेंशियल टू होमोजेनाइज द आइसक्रीम मिक्स हमारा मिक्सचर जो है अराउंड 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ गया अब इस मिक्सचर को इस होमोजेनाइज्ड आइसक्रीम मिक्स को हम जो है 68 डिग्री सेंटीग्रेड तक पास्चराइज करेंगे और 68 डिग्री सेंटीग्रेड पे 30 मिनट्स तक मेंटेन करेंगे टू मेक इट सेफ फॉर कंज़म्पशन जितने भी जो है पास्चराइजेशन से इट विल बिकम सेफ फॉर कंज़म्पशन अब इसको जो है 68 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करके 30 मिनट्स तक जो है रखेंगे और ड्यूरिंग पास्चुराइजेसन इट इज़ वेरी असेंशियल टू कीप इट एजिटेटेड इसको जो है स्थिर जो है नहीं होने देंगे अब होमोजिनाइज करके अब जो है पाश्चराइजेशन जो है हमने कर ली है टेम्परेचर 68 डिग्री सेंटीग्रेड है और हमने जो है इसको आधे घंटा तक जो है इसको रखेंगे इसी टेम्परेचर पे हीटिंग इस तरीके से मेंटेन करेंगे कि टेम्परेचर जो है इसका 68 डिग्री सेंटीग्रेड से जो है ज़्यादा ना बढ़े अब ये जो है हमारे पास होमोजिनाइज पाइस्चराइज आइसक्रीम मिल्क मिक्स जो है ये रेडी है अब अगला स्टेज है हम इसको जो है कूलिंग करेंगे कूलिंग एंड एजिंग कई बार एजिंग एंड कूलिंग एजिंग नहीं की जाती लेकिन कूलिंग इज असेंशियल अब हम ये इसको लेंगे और इसको जो है इसमें शिफ्ट करके अब ये 68 डिग्री सेंटीग्रेड का मिक्स है इसको जो है हम इसमें ब्राइन के अंदर जो है कूलिंग करेंगे ये हमने इसमें बर्फ और नमक एडिबल सॉल्ट ये दोनों जो हैं मिक्सअप कर रखे हैं इसमें आपको बहुत केयर करनी है कि ये मिक्सचर जो है इस आइसक्रीम में ना जाए अगर थोड़ा सा भी ये मिक्सचर चला गया तो आइसक्रीम जो है नमकीन हो जाएगी तो अब इसकी अटमोस्ट केयर करते हुए ये हमने जो है इसको फ्रीजिंग मिक्सचर जो बर्फ़ और नमक का है इसके अंदर जो है डाल दिया और इसको एजिटेट करेंगे और इसका टेम्परेचर जो है अब फोर डिग्री सेंटीग्रेड तक कूल करेंगे और उसके बाद जो है फ्रीजिंग करेंगे तो अब ये मिक्सचर जो है कूल हो रहा है कमर्शियली सरफेस कूलर या दूसरे प्लेट हीट एक्सचेंजर्स जो है उनका उपयोग इस आइसक्रीम मिक्स की कूलिंग के लिए जो है किया जाता है और वहाँ पे कूलिंग जो है चिल्ड वाटर से जो है की जाती है चिल्ड वाटर जो कि 0.5 से एक डिग्री सेंटीग्रेड पे उपलब्ध होता है हमारे को हम इस आइसक्रीम मिक्स का टेम्परेचर जो है 68 डिग्री सेंटीग्रेड से डाउन करके 4 डिग्री सेंटीग्रेड लाएंगे और उसके बाद 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाले मिक्स को उस टेम्परेचर पे लगभग ढाई से तीन घंटे जो है रखेंगे फॉर एजिंग ओके सो फर्स्ट वी हैव पॉइचराइज द मिक्स देन वी हैव होमोजिनाइज देन वी हैव वी आर फ्रीजिंग कूलिंग इट टू फोर डिग्री सेंटीग्रेड एंड देन वी विल फ्रीज इट एट द माइनस फोर टू माइनस फाइव डिग्री सेंटीग्रेड सो कूलिंग एजिंग टेम्परेचर इज फोर डिग्री सेंटीग्रेड एंड फ्रीजिंग टेम्परेचर इज माइनस फोर डिग्री सेंटीग्रेड टू ऑबटेन ए डिज़ायर्ड बॉडी एंड टेक्स्चर एंड रिक्वायर्ड ओवर रन इन द आइसक्रीम ये कूलिंग चल रही है और इसका टेम्परेचर जो है अब फोर पॉइंट फाइव डिग्री सेंटीग्रेड जो है आ गया है अब इस मिक्सचर में हम जो है रिक्वायर्ड कलर और फ्लेवर ऐड करेंगे और उसके बाद जो है हम फ्रीजिंग ऑपरेशन करेंगे पाँच मिनट तक जिससे कि उसके अंदर एयर इनकॉपरेट करी जाएगी और आइसक्रीम के अंदर हम जो है डिज़ायर्ड ओवर रन लेके आएंगे नॉर्मल आइसक्रीम में जो है अस्सी से सौ प्रतिशत तक जो है अच्छी आइसक्रीम में ओवर रन जो है रहता है ओके okay. अब ये हमारा मिक्सचर जो है आइसक्रीम मिक्स जो है अब कूल हो गया कूलिंग के बाद इस मिक्सचर को जो है कोल्ड रूम में हम या कूलिंग कैबिनेट के अंदर दो से तीन घंटे रखेंगे टू टू थ्री आवर्स फॉर एजिंग एजिंग के पश्चात हम जो है इसमें से अब डिफरेंट वॉल्यूम लेंगे लगभग तीन सौ जो है हम वनीला का बनाएंगे मिक्स में हम जो है पॉइंट थ्री एम एल रफली वन परसेंट वन टू वन पॉइंट टू परसेंट हम जो है मिक्स का ये डालेंगे राइट right? ये अब हमने डाल दिया और अब इसको हम जो है फ्रीज़र में लेके जाएंगे ये दिस फ्रीज़र इट इज़ एट माइनस फोर डिग्री सेंटीग्रेड और इसकी हम जो है इसको फ्रीज करेंगे बैच फ्रीजर है इसमें जो है टेम्परेचर मेंटेन करेंगे ड्यूरिंग और इसके अंदर पांच मिनट तक जो है हम फ्रीजिंग प्रोसेस करेंगे जिससे इसके अंदर रिक्वायर्ड नाउ फ्रीजिंग इज गोइंग ऑन एट ए टेम्परेचर ऑफ माइनस फाइव डिग्री सेंटीग्रेड कूलिंग एट कूलिंग एंड एजिंग एट फोर टू फाइव डिग्री सेंटीग्रेड एंड फ्रीजिंग एट माइनस फोर डिग्री सेंटीग्रेड एंड स्टोरेज ऐट माइनस ट्वेंटी फाइव डिग्री सेंटीग्रेड आइसक्रीम को कप्स में फिल करने के बाद स्टोरेज जो है माइनस ट्वेंटी फाइव डिग्री सेंटीग्रेड सो सिक्सटी एट डिग्री सेंटीग्रेड फोर डिग्री सेंटीग्रेड देन माइनस फोर डिग्री सेंटीग्रेड फाइनल स्टोरेज ऐट माइनस ट्वेंटी फाइव डिग्री सेंटीग्रेड सो दिस इज द टेम्परेचर रेंज फॉर मैनुफैक्चरिंग ऑफ आइसक्रीम स्टूडेंट्स आप जो है दिस इज द फ्रोजन आइसक्रीम स्टूडेंट्स अब हम जो है चॉकलेट आइसक्रीम जो है बनाएंगे और चॉकलेट आइसक्रीम बनाने के लिए ये चॉकलेट सिरप जो है इसके अंदर जो है ऐड कर देंगे स्टूडेंट्स चॉकलेट आइसक्रीम बनाने के लिए हमने ये चॉकलेट सिरप बनाया है चॉकलेट सिरप में बनाने का प्रोसीजर ये है कि इक्वल क्वांटिटी ऑफ शुगर इज मिक्स विद द सेम क्वांटिटी ऑफ शुगर एंड कोकोआ दे आर मिक्स इन इक्वल क्वांटिटी और उसको जो है एक स्लरी बनाने के लिए पानी डाल के हम जो है उसको बॉईल कर देते हैं बॉइलिंग के बाद जो है इसको कूल कर देते हैं और एट द टाइम ऑफ फ्रीजिंग जो है ऐड करते हैं नॉर्मल चॉकलेट आइसक्रीम के अंदर 20 किलो आइसक्रीम मिक्स पे तेरह किलो जो है ये चॉकलेट सिरप जो है डाला जाता है टू गेट द डिज़ायर्ड फ्लेवर इन द फिनिश्ड चॉकलेट आइसक्रीम हमने शुगर सिरप बनाया और 20 किलो आइसक्रीम मिक्स पे हम जो है रफली 13 किलो ये सिरप जो है डालेंगे और उसके बाद जो है हम फ्रीजिंग करेंगे और उसमें जो है उससे रिक्वायर्ड जो कंज्यूमर चाहता है उस टेस्ट की कलर की फ्लेवर की आइसक्रीम जो है बन जाएगी सो दिस इज द चॉकलेट सिरप हम इसको फ्रीजर के इसमें लेंगे और इसके बाद इसमें जो है ये प्रिपेयर्ड सिरप जो है हमने ऐड कर दिया हमने चॉकलेट सिरप आइसक्रीम मिक्स में जो है डाल दिया फ्रीज़र में अब इसकी हम जो है फ्रीजिंग जो है स्टार्ट करेंगे अगेन वी विल फ्रीज दिस मिक्सचर फॉर फाइव मिनट्स दिस फ्रीजर इज कंटेनिंग आइसक्रीम मिक्स फ्रोजन एंड एज्ड एंड देन वी हैव एडिड चॉकलेट सिरप वी विल फ्रीज इट फॉर फाइव मिनट्स एंड वी विल गेट द चॉकलेट आइसक्रीम स्टूडेंट्स नाउ वी विल मेकिंग टूटी फ्रूटी आइसक्रीम इसमें जो है ये जो है मिक्सचर जो है अब हम फ्रीजिंग के लिए ले रहे हैं एट द टाइम ऑफ मिक्स फ्रीजिंग हमने ये जो है इसके टूटी फ्रूटी के जो है ये क्रैकल्स ये हमने जो है इसके अंदर अब डालेंगे इसको जो है हमने डाल दिया कोल्ड मिक्स में जो कि फोर डिग्री सेंटीग्रेड पे है ये हम डाल दिया ऑरेंज रेड कलर सॉल्यूशन जो है डालेंगे टूटी फ्रूटी का ये हम जो है .03 थ्री के करीब जो है .05 फाइव डालेंगे इसके अंदर .05 ये जो कलर है दिस इज ऑरेंज रेड कलर .05 फाइव इसके अंदर डाल देंगे ये देखो जैसे टूटी फ्रूटी आइसक्रीम में जो कलर होता है दिस इज़ कॉल्ड ऑरेंज रेड कलर जो है ये आ गया हमने इसको एट द टाइम ऑफ फ्रीजिंग डाल दिया इसके अंदर हमने जो है टूटी फ्रूटी के फ्रूट्स भी डाल दिए और हमने जो है ऑरेंज रेड कलर डाल दिया और जो है स्मॉल क्वांटिटी हम इसके अंदर मिक्स फ्रूट फ्लेवर जो है वो डालेंगे ये हम जो है मिक्स फ्रूट फ्लेवर जो है डाल रहे हैं इसके अंदर अब ये जो जार है आइसक्रीम फ्रीज़र का इसमें आइसक्रीम मिक्स देन टूटी फ्रूटी फ्रूट मिक्सचर जो कि मिक्स का थ्री टू फाइव परसेंट है ऑरेंज रेड कलर एंड मिक्स फूड फ्लेवर अब इसकी फ्रीजिंग जो है हम करेंगे मिक्स पे जो है हमारे को रफली हंड्रेड परसेंट ओवर रन जो है मिल रहा है अब इसको जो है हम आइसक्रीम कप्स में जो है खाली करेंगे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर आइसक्रीम के लिए मिक्स लिया और इसमें स्ट्रॉबेरी कलर और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर जो है हम डालेंगे ये हमारे पास तीन सौ ग्राम जो है मिक्सचर है आइसक्रीम मिक्स है पॉइंट थ्री एम एल हम अब इसके अंदर स्ट्रॉबेरी कलर डालेंगे लिक्विड स्ट्रॉबेरी कलर थ्री एमएल स्ट्रॉबेरी फ्लेवर एंड वी विल स्टार्ट द फ्रीजिंग प्रोसेस अब जो है इसका स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम का फ्रीजिंग जो है कंप्लीट हो गया है देखने से भी लग रहा है ओवर रन इसका जो है रफली हंड्रेड परसेंट जो है हो गया है अब इसको जो है हम खाली करेंगे और फिर जो है इसको चैंबर में जो है डाल देंगे सो इन टूडेज आइसक्रीम मैन्युफैक्चरिंग क्लास वी हैव सीन व्हाट आर द डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स टू बी यूज्ड। वी यूज्ड मिल्क स्किम मिल्क पाउडर क्रीम sugar stabilizers and emulsifiers and different ingredients for different type of ice creams for example in for manufacturing vanilla ice cream we use the vanilla flavor for manufacturing strawberry flavored ice cream we used strawberry color and strawberry flavor for manufacturing tutti frutti ice cream we used orange red color, tutti fruity bits and mixed fruit flavor. for chocolate ice cream, we prepared the chocolate syrup and added chocolate syrup. for 20 kg mix, we added approximately 13 kg of chocolate syrup. so these are the ice creams we have manufactured in the today's practical class. thank you.